आप सभी का हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत है। जॉब से एडमिट कार्ड, रिजल्ट, स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप फ्यूचर में आने वाली सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाएंगी। आज इस वीडियो में हम आपको गाइड करने जा रहे हैं हरियाणा पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2019 नोटिफिकेशन के बारे में। जो सभी कैंडिडेट्स हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हरियाणा पोस्ट सर्कल ने ग्रामीण डाक सेवक की डिफरेंट वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं इसके लास्ट डेट से पहले। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट gayatrijobs.com पे। हरियाणा पोस्टल सर्कल ने हरियाणा पोस्ट GDS ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट 2019 की नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है। इसमें टोटल 682 वैकेंट सीट्स हैं। जो सभी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, वो सभी कैंडिडेट्स 3 दिसंबर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके वैकेंसी में डिफरेंट कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट्स हैं। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए टोटल 130 सीट्स हैं। PH और HH कैंडिडेट्स के लिए 5 सीट्स हैं। PH OH कैंडिडेट्स के लिए 18 सीट्स, PH VH कैंडिडेट्स के लिए 4 सीट्स, SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 124 सीट्स और UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 401 सीट्स। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 10th क्लास पास की मार्कशीट होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड से, और कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और उनके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एटलीस्ट 60 डेज का, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी और बोर्ड। इसमें अप्लाइड कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। और फीमेल, SC ST और PH एप्लीकेंट्स के लिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस नील है। इसमें अप्लाइड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट्स के 10th क्लास के ऑप्टेंड एग्रीगेट मार्क्स के बेस पे करवाया जाएगा। इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दी हुई, आप इनकी इस ऑफिशियल लिंक पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, और हमने अपनी वेबसाइट के लास्ट में आपको कुछ डायरेक्ट लिंक्स प्रोवाइड करवाई हैं। आप इस चेक हियर लिंक पर जाकर इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी PDF की कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, और इस अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर जाकर आप इजी वे में इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हमारी इस वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहिए। हम इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अपने इस वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।